कार्बोरेटर को गाड़ी से बाहर निकालें और साफ ट्रे में रखें। फ्लोट चेंबर बाउल को खोलें। कार्बोरेटर कैप को खोलें। वैक्यूम पिस्टन असेंबली को निकालें। पायलट जेट को निकालें। जेट होल्डर के साथ मेन जेट को निकालें। डस्ट कैप को खोलें। डीसीएस को टाइट करें। टाइट करने के दौरान कितने टर्न्स फुल टाइट करने के लिए होते हैं वो नोट डाउन करें। VCS को खोलकर बाहर निकालें। ड्रेन वॉशर और बोरिंग को निकालें। रेल स्मार्ट को निकालें। फ्लोट असेंबली को निकालें। ऑटो चोक को निकालें। सभी पार्ट्स को साफ ट्रे में रखें। निकाले गए जेट्स को कार्बोरेटर क्लीनिंग स्प्रे से साफ करें। पार्ट से 10 सेकंड बाद दो बार हवा का प्रेशर अप्लाई करें। यदि जेट साफ नहीं होते, क्लॉग्ड है या डैमेज है तो रिप्लेस करें। स्लो सर्किट पैसेज को कार्बोरेटर क्लीनिंग स्प्रे से साफ करें। इस वक्त बटरफ्लाई वाल्व थोड़ा सा ओपन रखें। दो बार हवा का प्रेशर अप्लाई करें। मेन सर्किट पैसेज को कार्बोरेटर क्लीनिंग स्प्रे से साफ करें। दो बार हवा का प्रेशर अप्लाई करें। कार्बोरेटर ओवरफ्लो के केस में फ्लोट पिन और फ्लोट पिन सीट को कार्बोरेटर क्लीनर और कंप्रेस्ड एयर से साफ करें। VCS पैसेज को कार्बोरेटर क्लीनिंग स्प्रे से साफ करें। दो बार हवा का प्रेशर अप्लाई करें। निकाले गए सारे पार्ट्स असेंबल करने से पहले कार्बोरेटर बॉडी को कार्बोरेटर क्लीनिंग स्प्रे से साफ कर ले। दो बार हवा का प्रेशर। अब चाइल्ड पार्ट्स असेंबल कर ले। फ्लोट चेंबर बाउल बोरिंग चेक करें। अगर डैमेज है तो रिप्लेस करें। फ्लोट चेंबर बाउल को असेंबल करें। सुनिश्चित करें बोरिंग सही से फिट की गई है ताकि लीकेज ना हो। VCS स्क्रू को असेंबल करें। VCS स्क्रू को टाइट करें। फुल टाइट होने के बाद VCS को अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लूज करके ले आए। वैक्यूम पिस्टन असेंबली और कार्बोरेटर कैप को असेंबल करें।
ऑटो चोक और एयर सोनेट को फिट करें। अब कार्बोरेटर को गाड़ी पर फिट करें। इंजन को 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक वार्म अप करें। आइडलिंग आरपीएम की जांच करें और सुनिश्चित करें यह आरपीएम स्पेसिफिकेशन के अनुसार है। इस कंडीशन में D&F टूल की मदद से एयर सोनेट पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की जांच करें। सुनिश्चित करें यह वैल्यू 50% से 80% के बीच में है। D&F टूल में मॉडल के अनुसार व्यू डेटा में जाएं, LID2 में एंटर करें, एंटायर डाटा लिस्ट में एंटर करें, एयर सोनेट ड्यूटी परसेंट चेक करें। यदि यह वैल्यू 50% से कम है तो VCS स्क्रू को खोलें और परसेंट रेंज में ले आए। यदि यह वैल्यू 80% से ज़्यादा है तो VCS को टाइट करें और परसेंट को रेंज में ले आए। VCS डस्ट कैप को फिट करें। व्हीकल डिलीवरी से पहले सुनिश्चित करें कि फ्यूल टैंक और फ्यूल टैप सेडिमेंट बॉल को ठीक से साफ किया है।